and after that can I, uh, can can I I I take visa can I get visa get in EU or level uh, तो हाँ मैं समझ गया मेरे पास आपने मुझे भेजा भी है मैं, भी आ रहा है। मैं इसको ke bata deta बता देता हूँ unhone तो इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने मेट्रिक कम्प्लीट किया डीसी की जो क्वालिफिकेशन है ना उसकी इक्वलेंसी level के बराबर है ठीक है तो उसको करने के बाद ये दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में ठीक है ना दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में एच जो कहता है एच ओ लेवल ए लेवल को नहीं मानता जब तक आप उर्दू इस्लामियत पाक स्टडीज़ ना करें तो अभी हम जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान में वो जो हमारा सिक्सटी करोड़ सेवनटी करोड़ पे प्रोजेक्ट जा रहा है ठीक है ना वो ये है कि हम एक बड़ी जगह लेकर उर्दू इस्लामियत पाक स्टडीज़ हम पढ़ाएंगे और आपको ऑन साइट आके ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और इसका रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा तो एच ई सी आपकी इस एजुक के डिप्लोमा को मानेगी तो फिर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगर आप इंडिया में हैं बांग्लादेश में हैं कहीं और हैं वट वेर एवर यू आर राइट दुनिया में यू एस ए में कहीं पर भी हैं आप इसको पढ़ने के बाद या यूरोप जाना है कहीं भी जाना है आप एडमिशन माँ ले सकते हो लेकिन ये इंटरमीडिएट के बराबर है ए लेवल के बराबर ठीक है ना ए लेवल के बराबर क्रेडिट्स हैं तो इसको पढ़ने के बाद इसमें सिंस हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई इसको करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते लेकिन आप ना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप आईटी मतलब के ना में ले सकते हैं दीज आर योर बिजनेस में ले सकते हैं दीज आर योर ऑप्शन अवेलेबल राइट बिजनेस में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने बिजनेस का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा है क्योंकि आई है स्पेसिफिकली और इंजीनियरिंग का वो सब चीज़ें हैं तो इस तरह से है हाँ अलबत्त जो हमारा पेयरसन का डिप्लोमा आ रहा है उसमें ओ लेवल हम पढ़ा रहे हैं पेयरसन का जिसको इंटरनेशनल डिप्लोमा कहा जाता है ओ एन ए वो एक साल में हम पढ़ा रहे हैं और उसमें एग्जाम्स होंगे सबके उर्दू स्मत पाक स्टडीज़ भी है उसके अंदर एकवलेंसी के लिए एक बड़ा चक्कर है और लेकिन हालांकि वो बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट्स हैं उसका कोई सर पैर भी नहीं है ना वो उर्दू आपके कोई फ़ायदा देगी आपको इस्लामियात उसको इस्लामियत पढ़ने से जरदारी नवाज शरीफ जैसे लोग हमारे पास आ जाते हैं ठीक है ना आर्मी जनरल ठीक है अजीब सी वो इस्लामियात है सारी आ, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाक स्टडीज़ बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट है लेकिन वो पढ़ाया जा रहा है ठीक है ना सब झूठ लिखा हुआ उसके अंदर ठीक है तो दैट्स दैट्स अनदर बिग प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम इज़ के यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम कि आपको सिस्टम में रहते हुए कम अज़ कम ये आपने करना है जैसे यहाँ पर बाहर मुल्क में आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते इसी तरह पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी खोल नहीं सकते एच ई सी से अप्रूव किए लिख किए बगैर जब तक आप ये तीन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएं अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है ठीक है ना अभी मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एच ई सी में सारे सिफारशी भर्ती हुए हैं और एक पॉलिटिकल अपॉइंटी सारे आते हैं मतलब कि बस वही है ना पाकिस्तान में हर जगह पॉलिटिकल अपॉइंटीज आते हैं ठीक है दैट्स प्रॉब्लम बट एनी वे तो आपने जो सवाल किया तो आप बाहर मुल्क में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगेन लेवल थ्री करके जाओगे एडमिशन लेने के लिए तीन साल की बैचलर्स की फीस जमा करानी कहाँ से लेकर आओगे बहुत ज्यादा फीस है ठीक है ना ऑन एवरेज यूके में तीस हजार पाउंड सालाना खर्चा है बीस हजार पाउंड तक फीस है दस हज़ार पाउंड खर्चा है तो तीस हजार पाउंड सालाना खर्चा है तीन साल का बैचलर्स करोगे नब्बे हज़ार पाउंड फीस है ठीक है ना ऑलमोस्ट एक लाख पाउंड फीस होगी कहां से लाओगे अगर तुम लेवल फोर करोगे बैचलर्स का एक साल माफ हो गया अगर तुम लेवल फाइव करोगे बैचलर्स के दो साल माफ हो गए आखिरी साल करने चले जाओ अगर तुम लेवल सिक्स करोगे सिर्फ मास्टर्स करने चले जाओ पैसे बचा लेवल फोर करते हो तीस हजार बचा लिए तुमने फीस दी है वो हजार डॉलर भी नहीं है ठीक है सही है सात आठ सौ बीस हजार साठ हजार पौंड वर्सेज जो तुम फीस हो वो पंद्रह सौ पाउंड भी नहीं है हज़ार पाउंड होगी पंद्रह सौ पौंड सत्रह होगी और अगर तुमने पूरे डिप्लोमा कर लिया आया आपका उस पूरे डिप्लोमा की फीस जो है ना वो पंद्रह सौ पाउंड होगी समथिंग लाइक like दैट ठीक है ना मैक्सिमम दो हज़ार पाउंड पे चली जाएगी एग्जाम की फीसा मिला के तो भी तुमने नब्बे हज़ार पाउंड की जगह तुमने सिर्फ दो हज़ार पाउंड में सब कुछ कर लिया और फिर तुम अपने पैसे बाकी बचा कर मास्टर्स करने बाहर जा सकते हो तुम्हारी मर्जी है सो एवेल्युएट करो ना अपने सवाल को खुद एवेलुएट करो खुद वो करो कि तुम क्या सवाल कर रहे हो क्यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े खड़ोगे जब अल्लाह सवाल कर रहा होगा ना तो हमें सब सवाल समझ आएंगे उस वक्त हम बुद्धू नहीं बन सकते या दुनिया में हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धू हैं लेकिन वहां पर नहीं हो सकता तो सवाल जब भी करो ना तो खुद पढ़ो के ये सारे सवाल के जवाब मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ फिर लिखा है आई हैव टू कम्प्लीट होल डी सी सी और फोकस ऑन सर्टन टॉपिक्स एंड आफ्टर द एग्जाम आई विल बी एबल टू गेट स्टडी वीजा फॉर ई यू बाई अगेन मैंने इसका आंसर दे दिया अगर तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है तुम इसके ऊपर एडमिशन ले सकते हो लेकिन तुम्हें इंजीनियरिंग के और डिसप्लिन में तुम्हारे पास एडमिशन तुम्हें मिल सकता है ये तुम्हारे पास मौका है जाने का लेकिन फीस कहाँ से लेकर आओगे फीस बहुत ज़्यादा है दैट इज़ द रीज़न के मैं लेवल फोर और फाइव और सिक्स को लेकर आया ताकि लोगों को आसानी हो दिस इज़ द मेन जो है ना हमारा मकसद यही था कि उसके लिए लोगों को आसानी हो अब तुम क्या चाह रहे हो तुम इतनी महंगी फीस दे देना चाह रहे हो ठीक है ना दीअर थिंगज़ के जो तुमने सवाल किया कि भाई कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए तो डी सी में सारे टॉपिक्स पढ़ने है, क्योंकि उन टॉपिक्स में से कहीं से भी सक, कोई भी एग्जाम में टॉपिक आ सकता है लेकिन तुम्हें टॉपिक बता दिया जाएगा तुम्हारे पास छः हफ़्ते होंगे सात हफ़्ते होंगे जिसमें तुम अच्छी तरह तैयारी करके मेरे पास आओगे सो दैट्स ठीक है ना ये तुम्हारे लिए आ, मेरा मशवरा है